दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनर्स क्रिएशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिलीवरी रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, जो आज ही अपडेट हुआ है। डिलीवरी रजिस्टर डाउनलोड करने का तरीका भी बदल गया है और डिलीवरी रजिस्टर बोल के एक ऑप्शन नया ऐड भी हो गया है इस डीएमएस में, उसी के बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देख सकते हो, तो मैंने एचडीएमएस ओपन कर ली है। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्स ऑर्डर, उसके बाद सर्च करके यहाँ पे कॉम्प्लीटेड लिखना पड़ता था, ये प्रोसेस अब नहीं रहा है। इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ आप लोगों को। कॉम्प्लीटेड करके सेल्स ऑर्डर कर दी है, उसके बाद रिफिल ऑर्डर भी टाइप कर दी है और डेट आप अगर सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 1 तारीख से आज तक जितने रिफिल हुआ है उनका रिपोर्ट मैं डाउनलोड करना चाहूँगा, तो मैंने कॉम्प्लीटेड करके सर्च कर ली है। उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीवरी रजिस्टर बोल के जो ऑप्शन था वो हट गया है, वो अब यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल टैक्स इनवॉइस, पेंडिंग ओपन रिफिल ऑर्डर्स और पेंडिंग रिफिल स्टेटस हमारी सर्च कर सकते हैं। तो डिलीवरी रजिस्टर कैसे आप डाउनलोड करेंगे, देख सकते हो दोस्तों, ऑर्डर समरी के साइड में बगल में डिलीवरी रजिस्टर बोल के एक नया ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो डिलीवरी हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा, वो भी आप यहाँ पे सर्च करके फुल मंथ का रिपोर्ट नहीं निकल पाएंगे। आपको देख सकते हो दाएं तरफ यहाँ पर क्लिक करके आप सिर्फ सिलेंडर डिलीवर्ड यस्टरडे और डिलीवर्ड लास्ट 2 डेज, ओके, और सिलेंडर डिलीवर्ड 2 डे, ये तीनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डर देख सकते हो यहाँ पर सिलेंडर डिलीवर्ड यस्टरडे कितने सिलेंडर डिलीवरी हुआ था वो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड काउंट करेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। देख सकते हो मेरा 550 डिलीवरी हुआ था इंस्टॉलेशन ऑर्डर मिला के। तो फुल डिलीवरी रजिस्टर कहाँ से डाउनलोड करेंगे दोस्तों, अब आ जाते हैं पूरा 1 महीना का मंथ का फुल डिलीवरी रजिस्टर डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को reports.px.indianoil जो BI रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पोर्टल में आप लोगों को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को तरफ एक एरो बटन आप लोगों को दिख रहा है मेरा माउस कर्सर पे, वहाँ पे आप लोगों को डिलीवरी रजिस्टर रिपोर्ट बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डिलीवरी डेट बिटवीन 2 डेट आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने मार्च महीने का रिपोर्ट निकालना चाहूँगा, इसलिए 1 मार्च सिलेक्ट कर ली है, 1 मार्च से 31 मार्च सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दी है। करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पे रिपोर्ट प्रीव्यू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट 4 मिनट, ओके। आइए हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों आफ्टर 5 मिनट्स डिलीवरी रजिस्टर्ड यहाँ पे प्रीव्यू हो गया है, देख सकते हो। प्रीव्यू होने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। इस डाटा को देख सकते हो 30 पेज है, और भी पेज होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डायरेक्ट एक्सेल पर आप क्लिक मत कीजिए, आपको यहाँ पर डाटा ऑप्शन दिख रहा है, डाटा ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर स्क्रॉल करके एक्सेल बटन पर क्लिक करेंगे, ओके। क्लिक करते ही आपका जो डिलीवरी रजिस्टर का डाटा है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हो मेरा डाउनलोड हो गया। अब इस डाटा को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद दोस्तों इसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। आइए कैसे करते हैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस प्रोसेस को रन होने में 1-2 मिनट टाइम लग सकता है, देख सकते हो। ये एक नंबर पे जो कैटेगरी टूल्स है यहाँ पे लिख रहा है डिलीवरी डेट इक्विपमेंट, इसको हम लोगों को फिल्टर कर लेना है, ओके। फिल्टर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बस इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है। आप अगर 14.2 kg का रिफिल निकालना चाहते हैं तो 14.2 kg फील्ड सिलेंडर, LPG सिलेंडर फील्ड, ओके ओके करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो इंस्टॉलेशन ऑर्डर और रिफिल ऑर्डर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी चेंज करके आप लोगों को रिफिल ऑर्डर कर देना है। आप अगर रिफिल का निकालना चाहते हैं तो रिफिल ऑर्डर करना है, और इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो इंस्टॉलेशन का
करना है। ओके, उसके बाद देख सकते हो दोस्तों टोटल कंज्यूमर वाइज टोटल पूरा का पूरा डाटा निकल गया है। आप नीचे पूरा नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे टोटल फिगर जो है वो मिलेगा 7695 टोटल जो फिगर है वो फिगर मिल जाएगा। आप शॉर्टकट की यूज भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके ये नीचे से कर रहा हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद एरो आप बटन आप अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो ये रिकॉर्ड काउंट यहाँ पे आ गया है। आप अगर ऊपर से करेंगे तो वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट फिगर है वो मिल जाएगा 7671 डिलीवरी हुआ है एक महीने का। ओके, इस तरह आप एक एक करके फिल्टर करके 5 kg 19 kg टोटल सिलेंडर का जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ से निकाल सकते हैं कंज्यूमर वाइज। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।